हेलो दोस्तों, कैसे ही आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्वल की सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर मूवी ब्लैक पैंथर 2 के बारे में। क्या है इस मूवी का स्टोरी लाइन, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। आप सबको तो पता ही होगा, ब्लैक पैंथर मूवी के मेन कैरेक्टर मतलब चैडविक बोसमैन मतलब किंग टीचला की डेथ हो चुकी है, फिर भी ये मूवी बनाया गया है। अगर उनके कैरेक्टर इस मूवी में होता तो शायद स्टोरी लाइन कुछ और ही होता। मूवी की स्टोरी में एक पावरफुल किंगडम उसकी किंग को खोने के बाद उसका क्या हाल होता है, ये सब इस मूवी में दिखाया गया है। और इसी मौके का इंतजार करते हुए बाहर के लोग कैसे वकांडा की वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश करते हैं, ये सब इस मूवी में अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि किंग टीचला एक बीमारी की वजह से गुजर जाते हैं और उनका फ्यूनरल दिखाया जाता है। वकांडा की किंग गुजर जाने के बाद सभी का नजर वकांडा की वाइब्रेनियम पर पड़ती है और सब उसे हथियाने की कोशिश करते हैं। सभी कंट्रीज उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो वाइब्रेनियम को दूसरे कंट्री के साथ शेयर करे, लेकिन टीचला की मदर वाइब्रेनियम देने से इनकार कर देती है। इसलिए कुछ लोग जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वकांडा की जो टाइट सिक्योरिटी है उससे बच नहीं पाते। जब किंग टीचला गुजर गए, उनका बहन सूरी ये मानती थी कि अगर उनके पास हार्ट शेप्ड हर्ब होता तो शायद टीचला की जान दूसरी बार बच जाती। पहली बार फर्स्ट पार्ट में इस हर्ब की वजह से टीचला की जान बच गई थी, आपने फर्स्ट पार्ट में जरूर देखा होगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट में किल मंगर ने सभी हार्ट शेप्ड हर्ब को जला दिया था, इसलिए अभी कोई भी हर्ब नहीं है। रामुंडा सूरी से ये कहती है कि हार्ट शेप्ड हर्ब को सिंथेटिकली बनाने के लिए, क्योंकि उससे उनको दूसरा ब्लैक पैंथर मतलब नया किंग मिल सकता है और जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन वाइब्रेनियम जो वाकांडा की बैकबोन है, जो वाकांडा की पावर सोर्स है, सब सोचते थे कि वो सिर्फ वाकांडा में ही मिल सकता है। लेकिन CIA के द्वारा जब एक वाइब्रेनियम ढूंढने वाली मशीन से उन्हें पता चलता है कि पानी के नीचे एक जगह पर वाइब्रेनियम मौजूद है, ठीक उसी टाइम पर उनके ऊपर टालोकन का किंग नेमर उनके ऊपर अटैक कर देता है और उस एक्सपेडिशन में जितने भी सारे लोग गए थे सब वहां पर मारे जाते हैं। टालोकन एक नया जगह है जो पानी के नीचे बसा हुआ है और उनका राजा है नेमर। उनके प्रजाति के लोग पानी के नीचे बड़े आराम से सांस ले सकते हैं और रह सकते हैं और बड़े बड़े सी एनिमल्स का भी यूज करते हैं। तो इसी टाइप के प्रजाति के लोग पानी से बाहर आकर उस रिसर्च कर रहे टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन CIA को लगता है कि यह हमला वाकांडा के द्वारा किया गया है, लेकिन नेमर को लगता है कि इस रिसर्च टीम के पीछे वाकांडा है। इसलिए नेमर रामुंडा और सूरी से मिलने के लिए वाकांडा जाता है और उन्हें कहता है कि इस वाइब्रेनियम को ढूंढने वाली मशीन को किसने बनाया था उस साइंटिस्ट को उसे दे दे, नहीं तो वाकांडा पर अटैक करने के लिए वो अपनी पूरी फौज लेकर आएगा। ये सब सुनने के बाद सूरी और ओकोई उस मशीन को किसने बनाया उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। CIA एजेंट रॉस से उन्हें पता चलता है कि एक MIT स्टूडेंट जिसके नाम है रीरी विलियम्स उसने इस मशीन को बनाया था और उसने इस मशीन को बनाया था अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। ये सब सुनने के बाद सूरी और ओकोई रीरी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उसका पीछा FBI और नेमर दोनों कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद FBI उनका पीछा करने लग जाता है और सब वहां से बचकर निकल जाते हैं। और वहां पर FBI से बचने के बाद वहां पर नेमर के लोग आकर पहुंच जाते हैं और ओकोई को हरा कर रीरी और सूरी दोनों को अपने साथ लेकर किंग नेमर के पास चले जाते हैं। ये बात सुनकर रामुंडा ओकोई को निकाल देती है और नाकिया के पास जाकर उससे सूरी और रेरी दोनों को ढूंढ कर वापस लाने के लिए कहती है। वहां पर नेमर के लोग सूरी और विलियम्स दोनों को नेमर के पास लेकर जाते हैं और नेमर उन्हें अपनी पानी के नीचे बसा हुआ दुनिया के बारे में बताता है और ये सब कैसे काम करता है ये भी दिखाता है और वो क्यों बाहर की दुनिया से अलग है, कैसे वो पानी के नीचे सांस ले सकते हैं, ये सब भी बताता है। उनके लोगों के इतिहास के बारे में भी उन्हें बताता है और सूरी को बताता है वो वाकांडा के ऊपर अटैक नहीं करेगा अगर वाकांडा उनके साथ मिलकर रहता है। वो दोनों किंगडम मिलकर बाकी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद नाकिया उन्हें बचाने के लिए वहां पर आ जाती है और उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन उन्हें बचाने के दौरान वो नेमर के कजिन नामोरा को घायल कर देती है, इसलिए नेमर अपनी पूरी फौज लेकर वाकांडा के कैपिटल पर अटैक कर देता है और इस अटैक में रामुंडा विलियम्स को बचाने की कोशिश करते हुए खुद को बचा नहीं पाती। बाकी जितने भी सब लोग बच गए थे वो सब जब्बारी लैंड में चले जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। नेमर भी फिर से अटैक करने के लिए खुद को तैयार करता है और ये सब देखकर सूरी नेमर के ऊपर अटैक करने की फैसला करती है। इससे पहले सूरी उस बचे हुए हार्ट शेप्ड हर्ब से सिंथेटिकली एक नया कंप्लीट हार्ट शेप्ड हर्ब बनाती है और उसे पीकर खुद ब्लैक पैंथर बन जाती है और उसे बाकी ट्राइब के लीडर भी ब्लैक पैंथर मानते हैं। उसके बाद वाकांडा और टालोकान के बीच वार होता है। इस वार में सूरी ने नेमर को हरा दिया, लेकिन उसने रियलाइज किया कि वाकांडा और टालोकान दोनों के बीच बहुत सिमिलैरिटीज है, इसलिए उसने नेमर को जिंदा छोड़ दिया और दोनों किंगडम एक साथ मिलकर शांति से रहने लगे। एजेंट रॉस को भी वाकांडा को छुप छुप कर हेल्प करने के लिए अरेस्ट किया गया था, लेकिन मूवी की एंडिंग में ओकोई आकर उसे बचा लेती है और मूवी खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।